welcome back to my channel. मैं हूँ आफरीन और आज मैं आ गई हूँ सूरत पे. अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं सूरत पे क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ. तो मैं एक बहुत ही स्पेशल रीजन से आई हूँ. तो आज मैं आ चुकी हूँ अजमेर फैशन पे. एक्चुअली मेरे जो पापा है ना, वो सोच रहे थे कि एक बिजनेस स्टार्ट करे. मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया इसके बारे में, फिर मुझे पता चला अजमेर फैशन का नाम. फिर मैं यहाँ पे आ गई थोड़ा सा देखने, रिसर्च करने के लिए, क्योंकि इसका रिव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा था. इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे. अब कौन लड़की है जिसको कपड़े देखना अच्छा नहीं लगता, और इस चीज में मुझे हेल्प करेगी वैष्णवी मैम. हेलो. तो मैम क्या क्या दिखाने वाले हो आज हमें? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो जो चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, जैसे कि साड़ीज, कुर्तीज, ड्रेस मटेरियल्स, लेडीज अंडर गारमेंट्स, ब्लाउज, पेटीकोट, मेंस वेयर, किड्स वेयर और बहुत सी चीज़ें जी. तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. गाइज, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ लहंगा की दुनिया में. अब लहंगा मतलब जान बचती है हम औरतों में. तो पहले आप बताओ कि आज कैसा लहंगा दिखाने वाले हो आप हमें? लहंगाज की अगर बात करें तो बहुत से लहंगाज होते हैं, जैसे ब्राइडल लहंगाज, गर्लिश लहंगाज, सिंपल लहंगाज, हर तरह के लहंगा जो नेट बेस पर होते हैं, सिल्क पे होते हैं, वेलवेट पे होते हैं. यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कुछ एक रैंडम सैंपल्स हमने लगा के रखे हैं. और जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लहंगों की जो वेराइटीज है ना, वो सारी हमने यहाँ पर लगा के रखी है. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का लहंगाज आपको हमारे यहाँ मिल जाता है. तो उसमें से आप ये पूरा काउंटर मैंने यहाँ देख रहे हैं ना, ये इसमें सिर्फ लहंगा और लहंगा है. तो इसमें से मैं आपको कुछ रैंडम सैंपल्स लेकर आई हूँ, क्योंकि सब कुछ दिखाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता. तो रैंडम सैंपल्स लेकर आते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे जो सैंपल्स है उनको. जैसे कि मैम आप ये लहंगा देख रहे हैं, गर्लिश लहंगा इसको कहते हैं. मतलब जो सिंपल पार्टी वेयर चीज होती है ना, जो पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए मेन हमारे गर्ल्स इसको पहनते हैं, तो वो एक चीज है. ये जो आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स इसमें देख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस के ऊपर किए गए हैं. ये कोई धागा नहीं है, सीक्वेंस आता है, वो सीक्वेंस से इसका लुक क्रिएट किया गया है. और अगर मैं क्वालिटी की यहाँ पर बात करूँ तो ये देख लीजिए, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर. पूरे चार लेयर का ये लहंगा है. कैनवास इसमें यूज किया गया है, कैनकेन है, ये यहाँ साटन यूज किया गया है, ये नेट है. तो क्वालिटी आप देखते हैं. और अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो किड्स लहंगा होता है, जो बच्चों का लहंगा होता है, 5 साल की उम्र से हमारे यहाँ लहंगे मिलने चालू हो जाते हैं. बेबी गर्ल 5, इतनी सी छोटी सी बेबी, वो लहंगे में कितनी क्यूट दिखेगी. तो वो चीज हमने यहाँ पर ध्यान रखी. किड्स का लहंगा भी यहाँ पे बनाया है, और 300 से किड्स लहंगा में स्टार्टिंग रेंज है, 300 से, और बड़ों में 400 रुपए से स्टार्टिंग है. बट मैम हमारे जो व्यूअर्स है ना, उनको प्राइस में भी बहुत इंटरेस्ट है, मतलब वो लोग प्राइस भी जानना चाहते हैं. तो आप प्राइस बता सकते हो क्या? जी, अगर मैं सिंपल सा आंसर दूँ तो मैं आपको वीडियोस में प्राइस नहीं बता सकती. नाउ आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं बता रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम एज अ होलसेलर ये सारी चीज़ें सेल करते हैं. लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, हम ये चीज़ें खुद बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं और सीधा रिटेलर्स को होलसेल में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. और किसी भी चीज़ की अगर हमने प्राइस आपको यहाँ पर बता दी तो आपको ये चीज़ मार्जिन ऐड करने में दिक्कत दे सकती है. इसीलिए अगर आपको किसी भी चीज़ की प्राइस जाननी है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे. आगे की जो भी प्रोसेस है हमारे ऑनलाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको समझा देंगे. क्या बहुत आसान है. तो चलिए लहंगा देख लेते हैं जी. तो ये तो हो गया पाउडी वाला, मतलब लोग पाउडी कर सकते हैं, पाउडी. तो अभी कुछ ब्राइडल वगैरह दिखा दीजिए जी. ब्राइडल तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ब्राइडल जो होता है ना भाई, दुल्हन के लिए तो सब्र रखना पड़ता है. तो उसी तरह से दुल्हन लहंगा भी आराम से दिखाएंगे. अच्छा, लास्ट में दिखाएंगे दुल्हन. सबसे पहले उनकी बहनों का कंप्लीट कर लेते हैं. ये बहन के लिए लहंगा है, वेलवेट बेस पर, थोड़ा सिंपल सोबर इसका लुक रखा गया है, लेकिन एलिगेंस इसका आप देख लीजिए, वेलवेट बेस पर है, बहुत हाईलाइट हो रहा है ये सब कुछ. ये देखिए कुछ इस तरह से है इसका लुक, है ना, एकदम प्यारा सा. तो चलिए देख लेते हैं आप पे ये लहंगा कैसा लगता है. तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये लहंगे का लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है ना, एकदम प्यारा सा. और अगर मैं इसके दुपट्टा की यहाँ पर बात करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका दुपट्टा है ना, एकदम ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा
कलर भी बहुत प्यारी है और लहंगा भी बहुत अच्छा है, है ना, एकदम ब्यूटीफुल सा लहंगा, कलर वाइज आपको बहुत अच्छा मिल रहा है और वेलवेट जो फैब्रिक होता है ना वो फैबुलस होता है क्योंकि उसके फोटोज भी बहुत प्यारे आते हैं, बहुत अच्छे कलर भी और कंफर्टेबल होता है वेलवेट एकदम, तो ये चीज ध्यान में रखिए। और वेलवेट में लाखों वैरायटीज हमने यहाँ पर बनाई हैं, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और ये सारा चीजें ऑनलाइन पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग आपको PDF भेजते हैं, उसके अंदर प्राइस मेंशन होती है, कितने का कट है, कितने कलर डिजाइंस है, वो सब मेंशन होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा कलर, आप इसका देख लीजिए, सबसे पहले तो कलर ही बहुत अट्रैक्टिव है इसका। जी हाँ, चलिए देखते हैं इनसाइड इसके किस तरह से लुक आने वाला है। ये देखिए, तो ये देखिए बहुत प्यारा सा लहंगा ये भी यहाँ पर मिल रहा है और मैम सीक्वेंस इसमें भी लगाया गया है और आजकल सीक्वेंस बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सीक्वेंस क्या लहंगा, सीक्वेंस की साड़ी, सीक्वेंस का गाउन, सीक्वेंस का ब्लाउज, सब कुछ सीक्वेंस में हमारे व्यूअर्स को पसंद आ रहा है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं और सीक्वेंस की चीजें अपने बिजनेस में एड कर सकते हैं। सीक्वेंस का लहंगा हो गया, प्योर छोटी सी चीज होती है लेकिन मार्जिन इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है, तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं और अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो अभी कुछ ब्राइडल देखने को मिलेगा क्या, सब पागल हो रहे हैं ब्राइडल में का, थोड़ा वेट तो बनता है। पहले तो इसकी ब्लाउज की बात कर लेते हैं, ये साटिन बेस पर ब्लाउज दिया गया है और इसका भी टोन टू टोन दुपट्टा दिया गया है, इसको खुद बनाना पड़ेगा। हाँ मैम, ये कैसा होता है ना, ये मेन साइडर्स के लिए होता है, अगर हम स्टिच करके देंगे और आजकल के हमारे व्यूअर्स कस्टमर्स कैसे होते हैं, खुद को स्टाइल करना चाहते हैं, सारी चीजें अपने हिसाब से चाहिए, तो ये चीज हमारे यहाँ रेडीमेड भी मिल जाता है और अनस्टिच भी मिल जाता है, तो आपको ये चीजें हमने काफी अच्छे से ध्यान में रख के बनाई है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेंटेन हो, तो ये वही चीज है, अगर आपको अपने हिसाब से स्टाइल करना है, आपके कस्टमर अपने हिसाब से स्टाइल करे तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैम नेक्स्ट में जो ये दिखा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट आप रखो प्लीज, इसको रख दो, आप ब्राइडल दिखाओ, मैं पागल हो रही हूँ ब्राइडल दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्राइडल और ब्राइडल है, अब ब्राइडल दिखाओ पहले। ठीक है, चलिए ब्राइडल देखते हैं, फाइनली आपका सभ्यता बांध टूट गया, तो देख लेते हैं ब्राइडल। ये देखिए, पहले तो आप इसकी, मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी, मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ इस लहंगा को, ठीक है, और फोल्ड करके मैं ऐसे रखूंगी, ओके, तो देख रहे हैं विदाउट सपोर्ट ये खड़ा है, तो ये खड़ा किस वजह से कि इतना लंबा केन इसके ऊपर यूज किया गया है जिसके सपोर्ट से ये अकेला खड़ा है, तो अगर कोई दुल्हन इसको पहनती है तो उसका जो घेर होता है ना वो अपने आप बनता है, जो इतना खूबसूरत लगता है, कैसे बताया, आपने तो देखा ही होगा। इसका वेट कैसा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे यार ये तो बहुत भारी है, 10 किलो का है। जी जी, एक्चुअली इसमें हैंडवर्क किया गया है, मतलब जो मोती स्टोन होते हैं, खाटली होती है, खाटली मतलब ये छोटे से आप यहाँ पर ये स्टोन देख रहे हैं ना जो स्टिच किए गए हैं, इसको खाटली वर्क कहते हैं, तो हमारे जो कारीगर होते हैं एक एक डायमंड को पकड़ के सिलते हैं, तो ये एक लहंगा बनने में महीनों लग जाते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इस हैवी से हमारे दुल्हन के लहंगे के लिए, ये देखिए बहुत भारी है, ये कुछ इस तरह से है, ये हाफ फोल्डिंग करके रखी है और इसका दुपट्टा आप देखेंगे, चलिए दुपट्टा भी, मैम ब्राइडल में हमारे पास बहुत कलेक्शन है, ये कुछ रैंडम सैंपल्स हमने लगाए हैं, अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये भी बहुत प्यारे लगेंगे, मुझको तो लिख के देती हूँ, आपको गारंटी देती हूँ आपको ये चीज बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा यहाँ पर दिया गया है, दुपट्टे के ऊपर भी सेम हैंडवर्क किया गया है, ऐसा नहीं कि ब्लाउज में ही किया, ब्लाउज में किया गया हो या सिर्फ लहंगे में किया है, इसके ऊपर भी सेम टू सेम वर्क है। ये देखिए, ये वेलवेट का, और प्लस पॉइंट यहाँ पर मैं ये बताऊँ, यूजुअली ब्लाउज का जो फैब्रिक होता है, कट होता है 80 पॉइंट या 1 मीटर का होता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो ब्लाउज होते हैं 1.20 का इसका कट आता है, मतलब जो हैवी लेडी होते हैं, हैवी कस्टमर्स होते हैं, उनको इसका कपड़ा कम ना पड़े, ये चीज़ ध्यान में रखिए, हमने इतना लंबा इसका कट बनाया है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ से चीज़ें लेने का। ये तो हुआ, अब वो ग्रीन वाला मुझे देखना है, उसको देखने के लिए मैं पागल हो रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। जी जी, ये भी ब्राइडल में आता है, तो आजकल जो ट्रेंड है ना, दूल्हा और दुल्हन, ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं ना, वो सेम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, स्टाइलिश लोग आने के लिए, डिजाइनर लोग आने के लिए, तो ये चीज़ हमने ध्यान में रख के डिफरेंट कलर के ब्राइडल लहंगास बनाए हैं, तो ये एक देख लीजिए, काफी अच्छा वेलवेट बेस पर है, ये पिंक कलर में, वो रेड कलर में, कॉफी कलर में, ये ग्रीन कलर में, तो डिफरेंट कलर में मिल जाते हैं, ये तो कुछ सैंपल्स लगाए हैं, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं,
तो चलिए ये देखते हैं किस तरह से इसका लुक आने वाला है। ये भी बहुत भारी है और इसके ऊपर का वर्क अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वर्क आप देख रहे हैं ना, मल्टी वर्क किया गया है। मतलब आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर के रेशम के धागों का इसके ऊपर यूज़ किया गया है और प्रॉपर इसके ऊपर ये देखिए ये जो स्टिच का डिफरेंट शेप का ये जो डायमंड यहाँ यूज़ किया गया है ये स्टिच किया गया है। मतलब हमारे जो कारीगर्स होते हैं बैठते हैं और दिन भर इनको ऐसे लगाते हैं, स्टिच करते हैं, जिससे एक दुल्हन जो है उस दिन काफ़ी खूबसूरत लगे। इसके ऊपर जो केनकेन यूज़ किया गया है, पहले तो ये कैनवास लेयर है, उसके बाद ये केनकेन है, अंदर एक और केनकेन है, देन बहुत बड़ा सा कैनवास है और उसके अंदर ये ब्लाउज का फैब्रिक स्टिच किया गया है और टोन टू टोन इसमें दुपट्टा दिया गया। ये देखिए टोन टू टोन दुपट्टा है। तो इसमें बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल है, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम परचेसिंग करनी हो तो आप बिजनेस न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आप तभी हमसे जुड़ सकते हैं। सिंगल पीस आपको हमारे यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, आप डायरेक्ट आ सकते हैं सूरत में अजमेरा फैशन में और परचेसिंग कर सकते हैं या कलेक्शन देख सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और कलेक्शन भी देख सकते हैं। आपको मिनिमम परचेसिंग 15,000 से 20,000 की करनी होगी, जिसका एक पार्सल बनता है और वो पार्सल हम आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अभी मैं वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ और मैं खुद परचेस करने वाली हूँ हमारे बिजनेस के लिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैम, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो या फिर किसी ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हो, जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो नंबर दिया ही हुआ है, आप लोग वहां पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।